साथियों, इस साल अक्टूबर से देश के टैक्स सिस्टम से जुड़ी एक और ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। हमने उस दिशा की तरफ कदम उठाया है जहां टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच ह्यूमन इंटरफेस नहीं होगा। अब मुझे मालूम नहीं है कि आपके भले के लिए है कि आपका नुकसान करने के लिए है, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी फाइल किसके पास है। पुरानी आदत में तो बड़ा सरल था, अच्छा जो उसका है, अरे देखो यार उसका चचेरा भाई को कहां वहां रहता है, तो आपके लिए मुश्किल भी है और आपके लिए सुविधाजनक भी है कि जो भी होगा वो न्यायिक कागज जो कहेंगे उसी के आधार पर होगा। और इसलिए जिसने व्यवस्था का लाभ उठा करके दुनिया अपनी खड़ी की है उनके लिए मुसीबत स्वाभाविक है, लेकिन जिसने अफसरों के जोर जुल्म के कारण परेशानियां झेली हैं उनके लिए ये उत्तम अवसर पैदा हुआ है। टैक्स सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए हम फेसलेस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमारी व्यवस्था में भी फायदा होगा। आज सरकार में अगर किसी को मुंबई पोस्टिंग मिल गया तो सब लोग जाकर के उसको पार्टी देते हैं, अरे वाह तुझे तो बहुत बढ़िया जगह मिल गई। और मान लीजिए उसको कहीं छोटी सी जगह पे जॉब मिल गया, यार सरकार से तेरा कुछ गड़बड़ है क्या, क्यों तेरा पनिशमेंट पोस्टिंग हो गया क्या। अब आपकी जॉब किस जगह पे है इसका कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि मामला बंबई का होगा लेकिन हो सकता है कि इस नई टेक्नोलॉजी से आपकी फाइल गुवाहाटी में जांच पड़ताल होती होगी। तो अब इसलिए कोई सी कोई ये मोह नहीं रहेगा, कोई मुझ पे दबाव नहीं डालेगा, साहब माँ को कैंसर है मुंबई में नौकरी दिलवा दीजिए, वहां ट्रीटमेंट के लिए सुविधा रहती है, बच्चे कोई बीमारी है इस जगह पे मुझे अपॉइंटमेंट करवा, सब बंद हो जाएगा। इसलिए आपको भी सुख मुझे भी सुख। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने, उसका प्रोसेस सिंप्लीफाई करने को लेकर भी बरसों से देश में तमाम चर्चाएं होती थी। आपके 100 साल का इतिहास का रिकॉर्ड देखिए तो आपने हर वर्ष इस विषय में कुछ न कुछ रिजोल्यूशन किया होगा, कुछ न कुछ मांगा होगा, कुछ न कुछ किया होगा। 100 साल ये काम जरूर किया होगा, और वैसे भी संगठन इसी काम के लिए तो होते हैं। इसे लेकर भी आप अगर 5 साल का हिसाब देखोगे तो हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने देश में जितना कॉरपोरेट टैक्स आज है, 100 साल का इतिहास आपके पास है चेक कर लीजिए, जितना कॉरपोरेट टैक्स आज है इतना कम टैक्स इसके पहले कभी नहीं था। फिर आपकी ताली दब गई। उसका कारण है कि आप आगे क्या पाना है इसी में फंसे पड़े हो, जो हुआ है वो नहीं मौजूद। आप सोच रहे हैं एक शाम को फलाने मंत्री आएंगे उसे बात करूंगा, ढींकने मिनिस्टर आएंगे उनसे ये मांगूंगा, उसके कारण जो हुआ है वो मुझे बार बार याद कराना पड़ रहा है आपको। खैर, कहने का तात्पर्य है कि उद्योग जगत से सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स लेने वाली सरकार
अगर कोई है तो वर्तमान हिंदुस्तान की सरकार है।